पाएंगे तुमसे, याद रखना। सॉरी सॉरी सॉरी। और सुन, जो हम बोले है ना भूलियो मत, जानता है ना का नाम है हमारा, रेणुका तिवारी। सॉरी आंटी। चलो भूलियो मत। अरे जाने दे उसे। हाँ देख तेरा फोन कब से बज रहा है, देख। अरे देख प्रीति बिटिया का फोन आ रहा है। या नहीं अंदर जाके आराम से बात कर, जा। प्रीति नव्या का नया कांड सुन। आज सुबह सुबह मूड चौपट कर दिया तो सुनिए आज का बहु जंक्शन। योगी मम्मी जी आपके लिए लगवा दिया, आइए ना मम्मी जी। अरे का है, आप आइए तो देखिए तो। अरे हमें ना देखना कुछ, आओ ना प्लीज आइए तो। मिसेस तिवारी एंजॉय। जैसन होता है वैसन ही है। क्यों कुछ खास पसंद नहीं आया? का चाहती हो इसकी आरती उतारे हैं? अच्छा अब बैठ के तो देखो कंफर्टेबल है कि नहीं। आई तुम्हारे सामने शुरू हो जाए मतलब। हाँ मम्मी जी मेरे सामने शेम शेम मत होइएगा। तुम यहाँ से जाने का कहा लोगी? और सुनो ये दुपट्टा ठीक करके बाहर जाना, हमारी बहू के कपड़े लत्तन को लेकर कोई भी टीका टिप्पणी करे जो हमें बिल्कुल पसंद ना आए। जी मम्मी जी। दूसरन की गोद भराई करवाती फिरेगी, जाने खुद की गोद भराई कब करेगी। पर सच्चे आदि भी इसी की भाषा बोलत है। 3 साल हुई गए शादी को, बंसी वाले अगले साल तक तो पोतन की शक्ल दिखाई देना, आज तो बस जाकी शक्ल दिखाई दी हमको। आदि और तेरी शादी को 3 साल हो गए। क्या नफ्या पहचानता है तुझे? एक बात बोलू नफ्या, तूने प्रेगनेंसी में मेरा बहुत साथ दिया है, मेरी हर छोटी से छोटी चीजों का ध्यान रखा है। मुझे ऐसा फील होता है कि मेरे साथ तू भी बेबी कैरी कर रही है। सेंटी क्यों हो रही है? तू जानती है ना इसे अपनी गोद में खिलाने के लिए तरस रही हूँ मैं। अपना बच्चा खिलाने के लिए कब तरसेगी नव्या? पूरी प्लानिंग जानती है फिर भी। ओहो तो... अच्छा उनके घुटनों में दर्द बढ़ गया होगा है ना? नहीं नहीं कछु बोली नहीं, बस जई के जे अमरूद और सेब हमारे लल्लाए दे आओ। कैसे कैसे? अरे वाह बुआ जी के यहाँ से अमरूद और सेब आए। नमस्ते ललन जी। राधे राधे। ठीक है भैया हम चलते हैं। राधे राधे। राधे राधे। अरे रुको ललन। हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं, हम 2 मिनट में आए। ये तो भाई बात हो गई भाई, उल्टा चोर कुतवाल को नाटे। नव्या बुआ जी से ऐसे बात नहीं करते बेटा। पर मम्मी जी मैंने ऐसा क्या बोल दिया? नव्या बुआ जी बच्चा नहीं करने का फैसला हम दोनों का है। तो बदल फैसले को, समझाइए अपने लुगाई को, जवानी के झूले कब तक झूलेगी? ये फिगर का मोह बच्चे के मोह से ज्यादा है का? बुआ जी आप ये सब क्या बोले जा रही हैं? जीजी अरे जाओ। जीजी हम जानत हैं कि नव्या की जबान कैची की तरह चलत है, पर वो दिल की पूरी ना है, और हम बात करेंगे उससे, कहेंगे उससे कि ये जिद छोड़ दे। बात करने को टाइम निकल गयो, अब तो तू उसको हुक्म दे, बोल कि मुझे अभी के अभी बच्चा चाहिए। सुन रही हो क्या कह रही है जीजी? सुन रही हो जीजी? जैसा कह रही है ना बिल्कुल वैसे का वैसा होना चाहिए। आज निकलते ही नव्या से बात करो, ठीक है? अगले महीने भैया दूज है लल्ला। हाँ मुझे पूरा याद है,
पूरे 40 दिनों बाद है भैया दूज। लिफाफे में टीका भिजवाए देंगे। का? तेरी बहू का पाव भारी हुआ तो हम आएंगे, नहीं तो कब ही ना आएंगे। पहले आपके चक्कर में ना गाड़ी निकल जाएगी कहीं। अभी जी तू डेकोरेटर पूछ रहा है को, लड़ियां तीन लगानी है चार। उसे बोलो भाई रुको मैं आ रही हूँ। अरे बेटा एक ही लगवाओ ना। अच्छा मम्मी जी शाम के फंक्शन की आपकी साड़ी निकाल देना, मैं प्रेस करवा दूंगी। आती हूँ पापा जी। अरे बेटा रेनू का ना तो बस, तुमसे साड़ियों और ब्लाउजों की बातें करवा लो जितनी मर्जी, काम की कोई बात नहीं होती। देखो शाम तक मुझे जवाब चाहिए, अगर मुझे शाम तक जवाब नहीं मिला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाने कौन सी घड़ी में बाबूजी ने हमारी शादी इनसे करा दी थी, कहां फंसाई थी बाबूजी। हाँ सर। जी सर। सर आना पड़ेगा, लेकिन आज आपसे सर बोला था कि पर सर आज ओके सर। सर शाम को ऑफिस बुला रहे, आई होप सब ठीक हो। हमारी बात सुनो पहले, अगली गोद भराई तुम्हारी होगी कहे देते हैं हम। क्या बात है, आज नहीं तो कल बने जाएंगे ना हम भी दादी। लगता है बात लग गई, देखो कैसे तुम दबा के भाग गई। ये नव्या के कारण हमें हमेशा ही सुनना पड़ता है, घर में सुमित्रा जी जी और इनकी सुनो और बाहर इन मोहल्ले वालियों की। आराम से आराम से आराम से। थैंक यू। चलो चलो चलो। कैसे नहीं करती आंटी, मासी जो बनने वाली हो। देखो मम्मी, दुनिया वाले ताने मारे या गाली दे, आपकी बहू तो मूड में ही नहीं है बच्चे करने के लिए। देखो तो कैसे खुश हो रही है दूसरों की गोद भराई और मासी बनके। अगर कोई मनवा सकता है ना तो वो है सुमित्रा बुआ। तेरी बहू का पाव भारी हुआ तो हम आएंगे, नहीं तो कब ही ना आएंगे। हम नाई पिघलने वाले हैं, जरा सी ढील दे दई ना तो सर पे ही बैठ जाएंगे। तो ये क्या लगा, हमें साथ झूठ का पता नहीं, हमें ऐसे कहा रहेंगे। अरे हमने बड़े बड़े सीधे कर दिए। सुने काम कर जी, आज शाम को पूरी आलू बना दी जी। मधु की गोद भराई के पकवान तो खावे को मिले ना है, चार दिन आते हरी सब्जी खाए खाए के जी उब गयो। और सुन जी मत, कुछ मीठो भी बना लियो जी। आपको कुछ पता तो है ना, बीच फंक्शन में मधु को दर्द उठ गया था तो? तो
तो नव्या और गौतम को उसे लेकर अस्पताल भागना पड़ा। हम उससे कब बात करते? अरे अस्पताल ही लेकर गई है, उसकी डिलीवरी नहीं करवा रही है। नव्या कोई डॉक्टर नहीं है। देखो तुम एक काम करो, तुम पैसे लो और अभी के अभी रिक्शा पकड़ कर अस्पताल जाओ और उससे कहो कि जीजी का क्या फरमान है। जाओ। हम ये बात करने अस्पताल जाए? हाँ। सठिया गए हैं का आप? मतलब आप कुछ भी कहेंगे और हम कर देंगे? खाना खा लीजिए, हम लगा रहे हैं। सिर्फ वो नहीं बोल, सब कहते हैं। और आपने ही कहा था ना कि अगर शादी के एक डेढ़ साल बाद गुड न्यूज नहीं आएगी ना तो लोगों की जुबान खुल जाएगी। आप नव्या को क्यों नहीं समझाते है? मुझे बहुत लेट हो रहा है, मैं आपसे कल बात करती हूं, ओके? और एक और बात, नव्या ना आपके काबू में नहीं होगी, इसलिए अक्कलमंदी की बात ये होगी कि आप है ना आज ही को काबू में कर लो, ठीक है? मुझे बहुत लेट हो रहा है, मैं कल बात करती हूँ। याना को घर छोड़ के आई हूँ। यश जल्दी आओ, कोई आके डांट के चला जाता है तो कोई ताने मार के। पल में मेरा मन बदल दिया। ये माँ वाली फीलिंग कितनी अलग होती है, आई कैन फील इट। अब तक घर ना पहुंचा है आदि, फोन भी ना उठा रहा है। बटर के टुकड़े ने ना दिल पिघला दिया। रात भर बेबी के सपने में खोई रही और उठकर जब कुंभकर्ण पति से बात करने की कोशिश की तो वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। उसको कैसे बताऊं कि I'm ready for a baby? आइडिया, कहते हैं कि हर पति के दिल का रास्ता उसके पेट से होके गुजरता है, तो क्यों ना गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाए जाए घी और बटर में चुपड़ के और फिर ये अनाउंसमेंट की जाए। करने का टाइम ना है, आखिरी बार कह रहा हूँ मैं तुम्हें, अगर इस बार भैया दूज के दिन जीजी घर पर नहीं आई ना तो मैं तुम्हारी खटिया खड़ी कर दूंगा, तुम्हारी। गुलाब आपने लगा है, काटे इन्हें चुपक। आज कुछ ही हो जाए, हम नव्या से बात करके ही रहेंगे। परेशान हो गए हैं इनके तानों से, जब देखो तब ताने, जब देखो तब ताने। आएंगे आपके साथ, ओके ना? हाँ बिल्कुल, लीजिए। मुझे क्या है? आपके लिए और ये भी। अरे बड़े सुंदर फूल है, पर ये फाइव स्टार होटल के फ्लावर शॉप से लाए। अब इन्होंने कहा फूल चाहे जितने महंगे हो लेंगे तो वहां से। आखिर मम्मी जी और पापी जी को इतना देना तो बनता है आज। हाँ पर जी सब। पापा जी को बुलाइए ना दुकान से। आप बैठिए ना, जी नहा रहे हैं, घर पे ही है, आइए चलो। अरे याना और यश नहीं आए? बताती हूँ ना मम्मी, चलो तो। पापा जी आपके लिए। अरे दामाद जी। या मैडम का थैंक यू। पापा जी ये आपके लिए। अरे नहीं 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 बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम ही रखो ये सब। पापा जी देखिए तो सही क्या है, देखिए इसकी जरूरत आपको है।
ये कब तक टेप लगा के चश्मा पहनेंगे? अरे है तो सही ये वाला चश्मा बेटा, क्या फिजूल खर्ची करते रहते हो तुम। मम्मी जी आइए ना, पापा जी को अपने हाथों से बनाइए। छोड़ो, देखो दामाद जी इतनी देर से आए, हमने उनको नाश्ता भी बनाकर नहीं दिया, हम पहले उनके लिए नाश्ता बना के लाते। दामाद जी आप कचौड़ियाँ खाएंगे ना, मटर वाली? हाँ आपको हमारे हाथ की पसंद है। कचौड़ियाँ बनाओ। बिल्कुल नहीं, ऊपर से नमक और मसाला डाल के जैसे तैसे करके गले से उतारना पड़ता है, इसे बेकार की बात ना करो। कचौड़ी के साथ पुदीना और मिर्ची की चटनी और दही बढ़िया रहता है, सुना? मम्मी जी क्या सारा प्यार सिर्फ तेल घी और चीनी में ही जताया जाता है? हमारे यहाँ तो ऐसे ही जताया जाता है, तुम्हें कोई दिक्कत है? जी नहीं। चलो फिर जाओ फटाफट से घी लेकर आओ। दामाद जी को कचौड़ी पसंद है और वो भी हमारे हाथ की, और घी ऊपर तक भरना। हाँ नहीं नहीं नहीं, मैंने नव्या को भी कुछ नहीं बताया। इम्पोर्टेड सामान ये भी रखने शुरू कर दिया आपने? अब क्या करें दामाद जी, ग्राहकों की मांग होती है तो पूरी तो करनी पड़ेगी। रख क्यों रहे हैं? अरे दामाद जी लो ना। अरे पापा जी ठीक है, थैंक यू। खैर पापा जी हमें तो इस बात की बहुत खुशी है, जो ठीक वक्त पर हमने आपको लोन दे दिया, आपने दुकान को इतना बढ़िया बना दिया, अब लग रही है दुकान दुकान जैसी। सच कह रहे हैं दामाद जी, बस आपकी मदद की मेहरबानी है बस। नहीं आपके पास 1 करोड़, लेकिन आधी है ना, आधी से कहिए ना 1 करोड़ का लोन अप्रूव करवा दे हमारे नाम पर। पापा जी यही बात हमने आदि से भी की थी, लेकिन उसने हमारी बात को टाल दिया। एक बार आप बात करिए ना उससे। दामाद जी मैं कैसे कहूँगा उससे, मैंने आज तक उससे कोई मदद नहीं मांगी है। पापा जी आज तक नहीं मांगी है, अब मांग लीजिए ना, और अगर नहीं मांग सकते तो मेरे 7 लाख वापस कर दीजिए। और हम कौन है आपके? दामाद है ना, दामाद के ज्यादा कुछ भी कर सकते हो, है कि नहीं? यार दिलाल की सेविंग्स हमारी है, हमारे बच्चे। शट अप नव्या, तुम साइन कर रही हो या नहीं बोलो। नहीं मैं साइन नहीं करूंगी। पापा जी की मदद नहीं करती क्योंकि तुमने की, इसलिए मैं तुमसे नाराज हूं। रॉन्ग मिस्टर आदित्य तिवारी, तुमने हमारी हम दोनों के बच्चे की सेविंग्स बिना मुझसे एक बार पूछे सारी दे दी। सीधा चेक पकड़ा और साइन करो। हम सारे डिसीजन मिलके लेते हैं आदि, फिर इस बार क्या होगा? बात कर लेते, साथ बैठ के सलूशन निकाल लेते, तुम ऑफिस से लोन ले लेते ना दी। कैसे नफिया, मेरी नौकरी चली गई है। सब तो चला रहे थे पर अब कुछ बोल ही नहीं रहे हो। कर ली हमने बात नव्या से और उसने कर ली बात आदि से। तो फिर कब? कब? कब मिल रही है गुड न्यूज? मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, बोलो। अब क्या हम आपको लिख कर दें तब आप हमारी बात पे विश्वास करेंगे? हाँ, मुझे मजिस्ट्रेट का ठप्पा चाहिए स्टैंप पेपर के ऊपर, और वो मैं जाकर जीजी को दिखाऊंगा। सच कह रहा हूँ रेणुका, अगर इस बार भैया दूज पर सुमित्रा जीजी घर पर नहीं आई ना, तो मैं वो कर दूंगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। हमारा बेटा कमाऊ है, फिर से जोड़ लेगा, दिल छोटा ना करो। मम्मी जी आपको भी लगता है कि मेरा दिल छोटा है? अरे हमारा वो मतलब नहीं था। देखो नव्या, तुम खुद ही कहती हो ना कि तुम इस घर की बहू नहीं हो, बेटी हो, तब भी तुम तब क्या कहना चाहती है मम्मी जी?
कुछ नहीं, कोई बात नहीं। अरे वो पीटी मास्टर नी, यहाँ आओ और ये खोल के दो हमको ढक्कन, फंस गया है, हमसे खुल नहीं रहा है। अबे लेके आ रहे हैं। अरे कहाँ भाई लेके आया, ऐसे लाए हो पंडित जी? भाई तो दे, ये तो पुराना हिसाब है, नए सौदे के पैसे लगेंगे। यहाँ पे खैरात न बट रही पंडित जी। तिवारी जी कमाल कर रहे हो, सवा मनी के लड्डू बनने हैं, आप ऐसी बात कर रहे हो? पंडित जी वो देखो क्या लिखा है बड़े बड़े अक्षरों में, आज नगद कल उधार। तिवारी जी तमो भी यही हो, हमो भी यही, कैसी बात कर रहे हो आप? क्या हो गया पंडित जी, आज दान पेटी में दान ना मिला है? ये दुकान भक्ति भाव से ना चलती, पैसे लगते हैं पैसे। तिवारी जी आप इसे सामान लेते हैं फिर ऐसी बात? लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे, तू सामान यहाँ पर रख। हाय अल्लाह। तिवारी जी हमारा सामान, हमारा सामान, चल इनको कहीं और से जाके सामान दिला दो। वो कहे ना पंडित जी इनका बीपी हाई ही रहता है। पंडित जी यहाँ से निकलो, धोती उतर जाए तो मैं जल्दी आओ। ओ चौधराइन मत बनो मोहल्ले की, चलो चलो अंदर जाओ और बहू को समझाओ जाओ, चलो। सुमित्रा दीदी का फरमान तो हमारे प्राण ही लेकर रहेगा, ऊपर से जब तक नव्या स्टैंप पेपर पे साइन नहीं कर देती ये सबको नोच ही डालेंगे। और एक जनव्या है, इसने अलग ड्रामा शुरू कर दिया है, अपनी माँ के घर जाके बैठ गई है कोप भवन में। वो सिर्फ हुकुम चलाना जानती है बस। बेटा नव्या देखो वो घर की बड़ी है, उनके बारे में ऐसा नहीं बोलते, और उन्होंने कोनो गलत बात तो नहीं कही। 3 साल हो गए हैं, बहुत लंबा समय होता है, अब तो सब ही कह रहे हैं कि तुम्हें बच्चा कर लेना चाहिए। फिर आदि को कौन समझाए? अरे पर आदि परेशान है ना अपनी नौकरी के कारण। क्यों, क्या हुआ आदि की नौकरी को? चली गई ना, बात हुई हमारी, उसने बताया तो कि वो उसका ऑफिस बंद हुई गया होगी। तुम्हें याद दिलाए कैसी थी हमारी है, हमारे बच्चे के लिए। कौन सा बच्चा, कल करने वाले हैं, ऐसे ही समझ लो। अब ज्यादा मत सोचो आदि, इतने दिनों से मोहल्ले वाले की नहीं सुनी, मम्मी पापा की नहीं सुनी, अब बीवी की तो सुन लो। गौतम कुछ समझाते क्यों नहीं अपने दोस्त को? क्या क्या समझाऊं, मैं 3 साल से यही समझा रहा हूँ, एक बच्चा ही तो पैदा करना है, क्या टेंशन है। नफिया को अभी बच्चा चाहिए। पहले से ये लेके बैठा था, लो मेरा तुम्हारा अंगूठा, ये हो गया हस्ताक्षर, बहुत बढ़िया। ए लल्लन रुकियो जरा। भगवान जिस सुमित्रा जीजी ने तो इनका दिमाग ही चौपट कर दिया है, और साथ में हमारी जिंदगी भी। अब जय हमको जेल में चक्की पिसवाएंगे। ए भगवान। नव्या ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। हम छोड़ेंगे नहीं तुमको, हम भी देखते हैं तुम बच्चा कैसे पैदा नहीं करती है, देखते हैं हम भी। बाप बेटे के बीच में थोड़ी बातचीत भी हो जाएगी। तुम ये सब सिर्फ मेरा मन रखने के लिए कह रहे हो ना? पागल हो क्या, तुम्हें क्या लगता है मेरा मन नहीं है कि हम दोनों मम्मी पापा बने? What about your plans? कोई प्लानिंग नहीं करनी, I just want a baby. तो जान मैं क्या चाइनीज बोल रहा था? I also want a baby. So let's do it. Yeah. मैं मम्मी जी को बताती हूँ, इतनी खुश होंगी ना। ना 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 ना, जब जान गुड न्यूज आएगी ना तो दे देंगे। ओके बेचारी मम्मी जी, बेचारी मम्मी जी। माँ ये तुम्हारे पापा जी को हर चीज में नाक घसानी होती है ना, कूड़े में भी, जैसे कि कूड़े में कोई सोना रखा है हमने, कोयले में मिलता है, कूड़ा में नहीं मिलता है सोना। कूड़े में सोना मिले ना मिले, कोयले में हीरा जरूर मिलता है। भूत ने काम कर दिया, बहू घर आ गई, अब
सब बढ़िया होगा, सब बढ़िया। हाथ मुंह धो लीजिए, हम खाना लगाए रहे हैं। ये फिल्म थोड़ना है जो एक सीन में हो जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुन। सुन रहा हूँ। नो ड्रिंकिंग एंड नो स्मोकिंग। मैडम, ना तो मैं ड्रिंक करता हूँ ना तो मैं स्मोक करता हूँ। हाँ, लेकिन गौतम के साथ पैसे स्मोकिंग तो हो जाती है ना। अरे तो कौन सा उसके साथ पूरे दिन रहता हूँ। नहीं बेबी, मुझे कोई चांस नहीं लेना, और वैसे भी टोबैको हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। ओके टीचर, क्लास चालू करें। यू नो व्हाट, मुझे लगता है कि कंसीव करने के लिए बेस्ट डेज तब होते हैं जब आप एक माँ बनने के लिए रेडी होते हो। एक महीने तक टीवी नहीं ना, चलो ठीक है नहीं देखते एक महीने तक टीवी, लेकिन एक महीने बाद अगर जीजी को गुड न्यूज नहीं मिली ना तो तुम जाओगी जेल। हमें इलाज रख लेना नव्या और आदि, वरना मम्मी एक महीने के बाद जेल में होगी। करवा लेती हूँ कि आदि कभी अपना नाम ही नहीं ढूंढ पाता। अच्छा दिखाओ। ये लिखा है आदि। 10/10 मम्मी जी। अच्छा एक बात बताइए ना, जब शुरू शुरू में नई नई शादी हुई थी तब तो आप पूरा हाथ भरवाती होंगी और पापा जी का नाम भी लिखवाती होंगी। अरे नहीं, वो तुम्हारे पापा जी को ये सब चोचले लगते हैं तो छोड़ो ना। चलो सरगी लो। अरे भुलक्कड़। सॉरी सॉरी सॉरी। अगर आप भी लाल रंग की साड़ी पहनेंगी तो। अरे ये सब, ये सब करने की उम्र तुम्हारी है, हमारी ना है। ठीक है, पर मैं भी नहीं पहनूंगी। फिर वही जिद, जैसी सांस वैसे बोल। पहन लेना लाल साड़ी। अरे नव्या, हम सजे सवरे या ना सवरे किसी को कोनो फर्क नहीं पड़ता। एक था मेट्राजी, एक था जिडैन। मेट्राजी ने गाली बकी और जिडैन ने लात मारी। आई लव यू। आई लव यू टू। है मिट्टी की नाई, हमने कन्हैया जी को साफ साफ कह दी कि अब हम तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे जब तक तू और तेरी लुगाई अपने बेटे बहू की नाक में नकेल ना डाल दे। बाकी रेनु तो तू कह दी, खुश व्रत करें, करवा चौथ करें, खूब करें दिवाली, भैया दूज करें अपने बेटे बहू के साथ। जा जबाई ना वापस ले जा। ये सब रेनुका की वजह से हुआ है। बुजुर्ग जीजी भूखी बैठी हुई है, कुछ खा नहीं रही है क्योंकि तुमने उनका दिल दुखाया। अब तक गुड न्यूज नहीं दिए, अनशन पर बैठ गई है। एक बात बता दूं रेनुका, जब तक मेरी जीजी खाना नहीं खाती ना, मैं खाना नहीं खाऊंगा और ना तुम खाना खाओगी।
जी गुड मॉर्निंग, वो मुझे आज की अपॉइंटमेंट चाहिए थी। ओह स्लॉट्स फुल हैं। अच्छा कुछ कैंसिल होगा तो आप मुझे बताएंगे? जी मेरा नंबर नोट कर लीजिए। जी 7528738 9। एक काम कीजिए, घर का नंबर भी नोट कर लीजिए, 0562 278 379। जी थैंक यू। क्या बात हुई? वो अभी तो स्लॉट नहीं, पर अगर कैंसिल होगा तो बताएंगे, शायद शाम को जाना पड़ेगा। अच्छा लेट हो गई नव्या, भाग भाग बेटा। अच्छा पंडित जी, ये बच्चा वाली बात एकदम पक्की है ना? कहना कि ये आस पड़ोस के लोग बातें कर रहे हैं। यस, इस घर में संतान का योग दिख रहा है, उसका होना डेफिनेट है, फिक्स है। शिग्रम शिग्रम, मुझे सब पता है। मम्मी मैं बाहर खेलने जा रहा हूँ। आज ध्यान रखना। क्या खाएगी? क्या चॉकलेट? चॉकलेट खाएगी और फिर दांत में कीले नहीं हो जाएंगे? पंडित जी अंग्रेजी में फेक तो नहीं रहते, शीघ्र किलकारी नहीं गुंजी ना तो किस किस को जवाब दोगी मम्मी? अरे इसी चक्कर में तो हम 2 हफ्ते से कीर्तन नहीं गए। क्या डाल रही है मम्मी? आप प्लीज कुछ खा लो, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे होती है तो हो जाए, हम तो कहते हैं हम मरी जाएं तो अच्छा है, तभी तुम्हारे पापा को चैन मिलेगा। मुझे तो ना आदि और नव्या पे ताजुब हो रहा है, उनको आपकी हालत देख के कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, और आपको पूरी दुनिया वालों की सुननी पड़ती है। आज हमने ठान लिया है कि दोनों को सामने बैठा के बात करेंगे ही, देखते हैं हमारी बात कैसे नहीं मानते। बेस्ट ऑफ लक, आप है ना करती रहिए बात, मैं मधु के घर जाती हूँ, आप कुछ खा लीजिए और पापा को भी खिला दीजिएगा। और मम्मी यश है ना बाहर गली में खेल रहे हैं, उसका ध्यान रखना। के लिए ना एक बात आपको बताए दे, हमें कौन शौक नहीं चल रहा है जो मिठाई बनाने का। आपकी सुमित्रा जी कहती है कि त्योहारों में तिवारियों के यहाँ मिठाई बननी चाहिए, और उसके लिए ही बना रहे थे, लेकिन आप कह रहे हैं ना तो नहीं बनाएंगे। हाँ तो नहीं बननी चाहिए, बिना जीजी के ना कोई खुशी है और ना कोई त्योहार, कुछ नहीं बनेगा इस घर में, समझे? समझ गए, कुछ नहीं बनेगा, अब हम कुछ नहीं बनाएंगे। और जो ये खोया मंगाया है ना, इसे बिठा के हम कूड़े के डब्बे में फेंकाते हैं। अरे कूड़े में कहाँ फेंकने जा रही हूँ, कमाल है क्या है? खून पसीने की कमाई है ये, इसे तो हम अपनी दुकान पे ही बेच देंगे। तुमसे हमने स्टैंप पेपर पर अंगूठा लिया, याद रखना इस बात को, अगर कल तक गुड न्यूज नहीं आई ना। नहीं, उसे फोन करके पूछ लेते, फोन तो ये है, उसे फोन पे पूछ लेते हम। नहीं नहीं नहीं, उसके आने का इंतजार करेंगे हम। बच्चे की किलकारी अवश्य गूंजेगी। नहीं नहीं, हमसे इंतजार ना होगा, हम तो पूछ ही लेते नव्या से। फोन तो यही बज रहा है, जरूर खुशी के बारे जल्दी घर आई गई होगी, हम जाके बात करते हैं।